अस्सलामुअलैकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्ट्रेस में। करना सुना बड़े होंगे, होंगे चुमन भी होंगे, हम प्रोफेसर कुदरत सलाफ और के वीडियो लेकर आए हैं। जो के क्या है भाई, जो के इंडिया ट्रीट अफगान रिफ्यूजी विद लव बट पाकिस्तान, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बट तो पाकिस्तान पता नहीं आगे क्या लिखा हुआ है, वेबसाइट पे नहीं, तो हिडन है। बाकी देखेंगे क्या सीन है, इस पर वीडियो है, ये पाकिस्तानी, ये एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है मेरे ख्याल से, उसकी वीडियो है ना। यस, पाकिस्तानी लोगों से पूछ रही है। तो ये किसका क्या नाम है, फीमेल का पता नहीं, यूट्यूब वाली के कम से कम नाम ढूंढा करो यार। तो वो हाइड है ना, उसका नाम भी लिखी होती है। तो ये एक यूट्यूबर है, पाकिस्तानी यूट्यूबर है, जिसका नाम जो नोट कमेंटेबल नहीं लिखा हुआ है। तो वॉच करें वीडियो को, वॉच करें इस पर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उससे भी दबा लाइक जरूर करें। अगर मैं सोशल सर फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो अस इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हो। तो प्ले कर दो। उन्होंने नरेंद्र मोदी है वो वर्ल्ड बेस्ट पीएम माने जाते हैं, जिस तरह उन्होंने इंडिया के तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, तो अपने अपने पड़ोस मुल्क के लिए वो अच्छे तारुकात बना रहे हैं। पठान है ये बंदा, तो यही वजह भी है कि और है भी ये पेशावर साइड का खाला पठान। इंडिया अफगानिस्तान में स्कॉलरशिप दे रहे हैं, 3,000 स्कॉलरशिप एवरी ईयर दे रहे हैं अफगानियों को, गर्ल्स को के बॉयज दोनों को, इवन अफगान आर्मी को उन्होंने ट्रेनिंग दे रहे, सब कुछ दे रहे, तो हेल्प बहुत किया उन्होंने। और हम क्या अभी भी गुलाम हैं, हम वो इंडिया जो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक रख रहे हैं वो अपने आज़ादी के लिए रख रहे हैं, लेकिन हम जो रख रहे हैं हम अमेरिका को खुश करने के लिए रख रहे हैं। हमको अफगानिस्तान के साथ अच्छा ताल्लुक रखना चाहिए, करेक्ट, वो हमारे मुसलमान भाई है, हम इजीली उनको ब्रदरहुड में ला सकते थे। अफगानिस्तान का दार है मुल्क, ठीक है, अफगानिस्तान का दार मुल्क, इंडिया से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। IPL जो होता है ना इंडिया वालों का, वो अफगानियों को बड़ा पैसा देते हैं। अच्छा, और बड़ी इंडिया तो प्लेयर अच्छे हैं भाई, भी जानबूझ के हार जाते हैं, ठीक है। इंडिया धोनी के साथ इसलिए दूसरे कर रहा था कि पाकिस्तान के लिए थ्रेट हो, पाकिस्तान वो पाकिस्तान का नेबर कंट्री है और एक मुसलमान कंट्री भी है, तो वो भी इंडिया नहीं चाहता कि इनके साथ अच्छा ताल्लुकात, इसलिए वो अपना ताल्लुकात बना रहे हैं। वो अफगान रिफ्यूजीज इंडिया में रहते हैं, इंडिया में उनके साथ कैसा ट्रीट किया जाता है? उधर बहुत खुश है वो लोग, कोई मतलब पुलिस तंग नहीं कर रहे उन लोगों को, काम वगैरह सब का फैसिलिटी मिल रहे है, ऐसे ट्रीट कर रहे जैसे एक इंडियन सिटीजन को ट्रीटमेंट मिल रहे है। जैसे अभी मैं अफगानी हूँ, इधर पाकिस्तान में हूँ, लेकिन इधर कोई अहमियत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई बैंक यूज़ नहीं कर सकते, फैसिलिटी नहीं है हमारे लिए इधर। इंडिया को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में से कोई एक बना दूंगा, अभी उन्होंने जो 10 साल में किया है तो इसे तो हाँ तो नहीं कर सकता, तो जाहिर सी बात है कि अगले 20 साल तक तो मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। मतलब खुद रिटायरमेंट, अभी खुद रिटायरमेंट, अभी जितने भी लाहौर में आप देखो जा भी जाओ, सब ये कहेंगे कि जो इंडिया से आई है जो हमारे बड़े उन्होंने गलती की है कि इधर आइए, हमें उधर रहना चाहिए। जो काफरों का दोस्त है उसका मैं दोस्त, ये तो अफगानियों को शर्म करनी चाहिए, काफरों के साथ उन्होंने दोस्ती की। इस्लामिक कंट्रीज बस काफिर काफिर का नारा लगा के अपने मुल्क को इतना पीछे ले आए, इस्लामिक कंट्रीज आप देख लिए वो प्राइम मिनिस्टर किस तरह दे रही है, मेडल्स पहना रही, सबकी दोस्ती इतनी अच्छी है, सिर्फ हम ही कहते हैं कि भाई हमने भाई मोटा है ना, हमें भूसा भरा है इसका, यूएई ने दिया, वो मुस्लिम मुल्क है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट्स कौन है, वो इंडिया से दोस्ती की ये वजह जी। अच्छा, इसके यूनाइटेड स्टेट्स हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो गधा है, उसको छोड़ो यार, कि आने वाले दिनों में जो प्राइम नहीं, इसको खुद ही यूनाइटेड स्टेट को नहीं पता, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स बोल रही थी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो तो अफगान को बहुत सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट तो बहुत ज्यादा था जब गवर्नमेंट था, प्रेसिडेंट अशरफ गनी था उस टाइम, अभी भी है, मतलब जैसे देखो क्रिकेट्स का हमारा कोच वगैरह उधर कैंप लगा हुआ है हमारा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शायला खान और आप देख रहे हैं रिएक्शन। आज का जो शो है वो बड़ा खास है, हम आज बात करेंगे पठानों से कि वो अफगानियों के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि अगर हिस्ट्री देखी जाए तो एक ही फैमिली एक ही कबीले के जो है लोग दरमियान में लकीर खींच गई अफगानिस्तान की पाकिस्तान के साथ दोस्ती। अफगानिस्तान तो पाकिस्तान जो जब भी बना है अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात उस जो उस टाइम से ख़राब है, और जब से पाकिस्तान पहले बना तो अफगानिस्तान वो पहला मुल्क था जिसने तस्लीम नहीं किया, तस्लीम नहीं किया, भी बात भी जो पाकिस्तान क्यों कह रहा था कि ये हमारी ज़मीन पर बन रहा है ना, उनके हेड तो बनते हैं उनकी तरफ से, क्योंकि वो ये डिज़र्व नहीं करता जो पाकिस्तान वो कर रहा है उनके साथ, पड़ोसी मुल्क के अच्छा ताल्लुकात रखना चाहिए उनके साथ। ऐसे कौन से माजी में देखिए, हुकूमतें बदलती रहती हैं, ठीक है, माजी में हमने गलतियां की, मुशर्रफ साहब के भी इंटरव्यू आए, किताबें भी लिखी गई, हमारे नेशनल मीडिया पे भी इसको डिस्कस किया गया कि हमने दूसरे के जंगों में जो है टांगे अपनी फंसा के जो है अपने ताल्लुकात, ये चीज़ इनका ये आदत है कि दूसरे के जंगों में
डॉलरों के लिए जंग लेना, ये चीज बोलो बोलो भाई। तो अगर आपसे नफरत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सुनते जाओ। इंडिया ने तो उनके साथ ताल्लुकात अच्छे रखे, उनके मुल्क अमन के लिए उन्होंने कोशिश की, तो इसलिए इंडिया के जो नरेंद्र मोदी है वो वर्ल्ड बेस्ट पीएम माने जा रहे हैं। इस तरह उन्होंने इंडिया के तरक्की के लिए काम कर रहा है, तो अपने अपने पड़ोस मुल्क के लिए वो अच्छे ताल्लुकात बना रहे हैं और हम जो हम वो ताल्लुकात बिगाड़ रहे हैं। तो यही वजह भी है कि इंडिया जितना ऊपर है और हम नीचे। आपने सही कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अफगानियों को बड़े पसंद है, वहाँ पर नहीं पसंद कर रहे हैं भाई, उसके हेल्प कर रहे हैं बिना मकसद के, बिना मतलब के। जो आज समझ ले, एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ जो है इंडिया है, दोनों ही बड़े स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमारा कभी किसी को लेके जो स्टांस है वो क्लियर नहीं होता। हमारा स्टैंड इसलिए क्लियर नहीं होता क्योंकि हम अभी भी गुलाम हैं। इंडिया जो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक रख रहा है वो अब ये रियल बता रहे हैं कि नाम जो रख रहे हैं हम अमेरिका को खुश करने के लिए, हालांकि हमको अफगानिस्तान के साथ अच्छा ताल्लुक रखना चाहिए था। जो हमारे मुसलमान भाई है हम इजीली उनको ब्रदरहुड में रह सकते थे, लेकिन हमने उन्होंने उसको भेज दिया भाई, पूरे कंट्री को भेज दिया। मुश्किल बात है, आप कह रहे हो कि जो उनकी तरफ से हमें नफरत मिल रही है ये वजह हमारी ही हमारी अपनी वजह है, हमारे बड़ों के जो 40 साल से हमारी जो बढ़िया कर रही है ना, जो बड़े बड़े उहदों पर पाए जाए, पॉलिसीज का फेलियर बना रहे ताकि हम फिर बाद में पछताते हैं ना लोग। पठान और अफगान के जो आपस की जो दोस्ती है वो बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर पठान और अफगान एक ही है, अलग अलग नहीं है, वो एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो ये जो एक खानदान अफगान भी पठान है भाई, वो हमारा तारीख भी 5000 साल पुराना है, वो भी अफगानिस्तान से आ रहा है, तो मैं भी यूसुफ़ज़ई कौम से हूँ, यूसुफ़ज़ई कौम भी अफगानिस्तान से आ गई। गुड, तो हमारा जो ये रियल बता रहे, देखो अफगानिस्तान के अंडर था, तो इसलिए जो खून का रिश्ता है ना, तो रिश्ता डेफिनेटली है, खून का रिश्ता है जी। क्या कहेंगे कि ये जो इंडिया और अफगानिस्तान की जो दोस्ती है मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, क्रिकेट मैचेस में भी हमने देखा बड़ी अच्छी दोस्ती है, इसके साथ साथ तालिबान की हुकूमत अब फिर भी जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनको जो है जी एड दे रहे हैं, दवाइयाँ दे रही हैं, गंदम दे रहे हैं, कुछ ना कुछ उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, इनकी दोनों की दोस्ती स्ट्रॉन्ग होने से पाकिस्तान कितने थ्रेट में जाएगा? इंडिया तो उनके साथ इसलिए दोस्ती कर रहा था कि पाकिस्तान के लिए थ्रेट हो, पाकिस्तान वो पाकिस्तान समझदार बंदा है और एक मुसलमान कंट्री भी है, तो वो भी इंडिया नहीं चाहता कि इनके साथ अच्छा ताल्लुकात बने, इसलिए वो अपना ताल्लुकात बना रहे हैं। जाहिर है इंडिया तो अपनी पॉलिसीज के लिए हमेशा फेयर रहता है, अपनी कंट्री के लिए कुछ भी करेंगे भाई, मुसलमानों को हर कोई अपने मफाद देखता है ना, हिंदू लोग हैं मुसलमानों को पसंद नहीं करते, अगर ये सच बात होती तो फिर इंडिया अफगानिस्तान को इतना क्यों पसंद करता है जहाँ पे शरिया है, जहाँ पे इस्लामी लॉज है और सारे के सारे मुसलमान। हम जो कह रहे हैं ये तो हमें मीडिया से पढ़ाया गया, नहीं वो तो सऊदी को भी पसंद करते हैं, अगर अफगानिस्तान की बात कर रहे हो तो सऊदी वो भी तो है, ये बात नहीं करो, उनकी डेमोक्रेसी मीडिया है, टॉप डेमोक्रेसी है, तो वो कभी इस तरह नहीं कर सकती कि वो मुसलमान के खिलाफ जाएंगे या सिखों के खिलाफ, डेमोक्रेसी जाओ बिल्कुल ये है, वो मीडिया वाले इसी तरह मीडिया को छोड़ सेकुलर है और रिलीजन वहाँ पर जो है मैटर नहीं करता है, मैटर नहीं करता रिलीजन भी मैटर नहीं करता, कास्ट भी मैटर नहीं करता, वो सिर्फ डेमोक्रेसी है। और ये इसका जो है जो मोदी जो है हम कहते हैं कि चाय वाला वो वज़ीर आज़म बनेगा, इनका जो है प्राउड से कहना चाहिए कि एक आम बंदा है वो वज़ीर आज़म बनेगा, डेमोक्रेसी से हो सकता है अपने में, yes. और अपनी मेहनत से बने, और जो मेरिट इस वक्त हम अपनी नेबरिंग कंट्री इंडिया में देख रहे हैं, अभी देखिए इलेक्शन अभी आए नहीं है, रिजल्ट नहीं आया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओपनली कह रहे हैं कि अगले 5 साल भी मेरे और मैं इंडिया को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में से कोई एक बना दूंगा, अभी उन्होंने जो 10 साल में किया है तो इसे तो से पता चल रहा है नहीं कर सकता, तो जाहिर सी बात है कि अगले 20 साल तक तो मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा, खुद रिटायरमेंट अभी खुद ही रिटायर में, अभी जितने भी लाहौर में आप देखो जा भी जाओ सब ये कहेंगे कि जो इंडिया से आई है जो हमारे बड़े उन्होंने गलती की है कि हमें उधर रहना चाहिए था, तो ये भी जो इंडिया से आए थे 47 में क्यों आए, क्यों आए वो बड़ों को ज़्यादा तरक्की कर ली है, ज़्यादा तरफ मुल्क तो इंडिया है ना, हमारा क्या मुल्क है, वो छोटा सा मुल्क है ना, कोई तरक्की कर रहा है तो इंडिया, उस मुल्क में रहना ही बंदे को अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है ना, हर फील्ड में वो आगे है। हर कंट्री में जो एक ऐसे भाभी पठान, एक तो पठान भी था ऊपर से पाकिस्तानी पठान था, ऐसे भी नहीं कि अफगानी था, एक तो दूसरा भी था अफगानी पठान, लेकिन ये जो है पाकिस्तानी पठान था, इन्होंने कितनी अच्छी बात थी कि देखो लॉजिक वाली रिलेटिव वाली जो कि इसमें आपको तीसरा बंदा कोई कह नहीं सकता है कि यार ये गलत है यहाँ पे, देखो लॉजिक से बात की इन्होंने, हालांकि इंडिया की इन्होंने बात की कि इंडिया जो थ्रेट दे रहा है,
पाकिस्तान को। बिल्कुल सही बात की आप, इंडिया जब ये सब कुछ कर रहे हैं तो वो अपने मफाद के लिए कर रहे हैं। इस तरह हर कंट्री जो है जब कुछ दूसरे कंट्री के साथ करता है तो कुछ ना कुछ उसमें देखता है तब करता है। Exactly. तो इन्होंने जो बात की पहले तो जो रिफ्यूजीज होते हैं इंडिया में वो कैसे ट्रीट करते हैं और पाकिस्तान में जो ट्रीट होता है, बस अल्लाह आप लोगों को ना दिखाए कि किस तरह ट्रीट करता है, खासतौर पर ये सिंध पंजाब में जो करते हैं भाई वहाँ पे जो अगर आप पता चल गया फिर आने जाओगे कि यार ये भी इंसान है। और फिर इंडिया हमेशा से इंडिया अफगानिस्तान के सपोर्ट करता आ रहा है, बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट। एक और बात की गई थी कि लोग बोलते हैं कि इंडिया मुस्लिम ये है इस तरह है वो है, भाई सारा मीडिया होता है। बाकी अगर देखी जाए इंडिया का सऊदी अरब के साथ भी अच्छे तलुकात है, यही कह रहा हूँ, अफगानिस्तान के भी अच्छा भाई हो गया, सऊदी कतर ये सब के साथ इनकी तलुकात है, बहुत अच्छे तलुकात। अगर मुस्लिम मुस्लिम वाली बात होती है रिलीजन वाली बात तो सब क्यों नहीं करता। एग्जैक्टली ठीक है, पाकिस्तान तो एक मजबूर मुल्क है, मतलब उसका कुछ है नहीं, वो तो ठीक है इंडिया के सब कुछ बर्दाश्त करेगा, वो लोग तो बर्दाश्त नहीं करते, वो लोग क्यों अच्छे रिलेशन में। तो ये बातें बेमानी है, बिना लॉजिक के। बाकी बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी, काफी अच्छे बंदे को पकड़ा हुआ था, ये भी वीडियो बनाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई प्लीज सब्सक्राइब चैनल फॉर एक्टर्स, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो, लाइक तो करें तो पता चलेगा सबको मिल रहा है। स्वाभाविक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।